देखिए एक्सरसाइज 3.2 में, 3.4 में केवल दो ही क्वेश्चन बचे हैं। इसमें दिया हुआ कॉस्ट ऑफ लेबर स्क्वायर फील्ड, क्वेश्चन नंबर 4। कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ए स्क्वायर थ्री डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 262 205। इतना है ठीक है। और एक दिया हुआ है 1.25 रुपीस पर मीटर स्क्वायर। इसका लेवलिंग को दे रखी है इसने, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इस पर फील्ड इज इक्वल टू इतने रुपए टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग फील्ड कितनी है ठीक है। अब एरिया निकाल सकता हूं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ, ये हमें निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ठीक है। अब देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड का ये रेट है ठीक है। तो यहां पर सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल लेता हूं, एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 262205 अपॉन फर्स्ट थी 1.25, इतने मीटर स्क्वायर आ जाएगा ठीक है। एरिया आ जाएगा, यानी कि मैंने कर दिया 262205 × 100, ये वाला 100 पॉइंट हटा दिए और ये 125 हो जाएगा ठीक है। 25 से काट दिया 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स। अब 5 का इसमें डिवाइड लगा रहा हूं, 25 1 5 2 10, 5 4 20, 5 4 20 और ये इनटू 4 ठीक है। ये 5 से काट दिया था हमने पहले, फिर 5 का इसको डिवाइड दिया है। देखिए 5 5 का 25 1 बच जाएगा, 1 12 हो गया, 12 में 5 2 10 10 2 बच गया, 2 का ये हो जाएगा 22, 22 में डिवाइड करिए 5 हो गया 20, 5 हो गया 20 और 5 बन गया 5। अब 4 का इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 4 6 7 इतने मीटर स्क्वायर आ गए ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, अब देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया दिया 209764 इक्वल टू साइड स्क्वायर,
साइड इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा रूट में 209764। इसका रूट लेना है, ठीक है, इसका रूट ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं 209764। ये बना लीजिएगा 4 4 16, ठीक है, 4 ही बच जाएंगे 97, 8 6 5 टाइम्स दे देते हैं 25 40 42। अब बचेगा तुम्हारा 2 7, ठीक है, एक बार साइड हमारी वैल्यू आ जाएगी 4 5 8 meter, ठीक है, साइड निकल के आ गई। क्या तक समझ में आ गया? एक बार और समझ लीजिए, कॉस्ट ऑफ लेंथ स्क्वायर फीट कितना था, ठीक है, ये रेट था, यानी इससे मैंने एरिया निकाल लिया, एरिया इक्वल टू ये रेट में इसमें डिवाइड कर दिया, कितने मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई कितने मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये एरिया ऑफ स्क्वायर की वैल्यू थी, इससे मैंने साइड निकाल ली, ठीक है। अब फेंसिंग कॉस्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट रेट, यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब फेंसिंग पर जो रेट लगानी है इसने, इसमें इसका 1.8 का मल्टीप्लाई और कर देंगे, ठीक है ना, देखो जल्दी से मैं आगे कराऊंगा इसको, जल्दी से ठीक है। अब यहां से मैं आगे करता हूं, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ₹1.8 पर मीटर, टोटल कॉस्ट आ जाएगी 1.8 × 4 5 8, इसका आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये है 4 5 8 1.8, क्वेश्चन में और भी कुछ पूछा है। हाँ देखिए, इसमें क्या रहता है,
फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द एट द रेट ऑफ 1.8। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी, टोटल कॉस्ट लास्ट क्वेश्चन और रह गया।
देखिए ये कोई क्वेश्चन नंबर 5 है, ए बॉय साइकिलिंग अलोंग ए स्क्वायर फील्ड, लेफ्ट साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल टू एक्स मीटर, ठीक है, और स्पीड ऑफ साइकिल इक्वल टू है 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 5 इंटू किलोमीटर को मीटर में बदल दीजिए 1000 तो ये हो जाएगा, और आवर में 60 इंटू 60 ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 इंटू 10 अपॉन 36, इसको भी मैंने काट दिया 5 बाई 18, यानी 5 इंटू 5 कितने मीटर पर सेकंड आ जाती है। स्पीड इसकी सॉरी 18 है, एटीन किलोमीटर पर आवर है, दोबारा देखिएगा 18 किलोमीटर पर आवर की तो 18 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60 ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 18 इंटू 10 अपॉन 36, फिर 2 से काट दीजिएगा 5 टाइम्स और ये हो जाएगी 18 से 18 कट गया, यानी 5 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ साइकिल ये मीटर पर सेकंड में बदल दी, स्पीड ऑफ साइकिल इक्वल टू इतने मीटर पर सेकंड, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू रूट में एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि 9604 इसका रूट ले लेंगे, 9604 क्लियर, 99 81, 5104 18 और 30 64 64 65 80, ये वैल्यू आ जाएगी साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 98 मीटर, साइड ऑफ स्क्वायर आ जाएगी 98 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा, इक्वल टू 4 इंटू 90, 4 इंटू साइड 4 इंटू 98 मीटर, ठीक है। पेरीमीटर
फाइव इंटू फोर इंटू नाइनटी एट, ट्वेंटी इंटू नाइन एट आठ उन्नीस, ठीक है ये वैल्यू आ गई टोटल। अब ये कह रहा है टाइम निकाल दीजिएगा इसका, कितना लिख लो फिर मैं जल्दी से रफ करूंगा इसको। सेकंड आ जाएंगे इसको मिनट में बदल देना, तो ये 392 इंटू डिवाइड बाई 60 इक्वल टू 36 मिनट एंड 32 सेकंड। ठीक है ये देखिए यहाँ पर या तो ये ना पहले में निकाल दिया फाइव का कैलकुलेट इतना आ गया, ठीक है, और जो टाइम हमारा लगा था वो कितना था यहाँ पर हमने फाइव स्पीड थी यानी डिस्टेंस अपॉन के स्पीड लगाया है यहाँ पर, टाइम इक्वल टू यहाँ पर लिख लेना डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, तो टाइम तो तुम्हारा था ये 1960 अपॉन की स्पीड कितनी थी 5, ठीक है 5 मीटर पर सेकंड थी ना, तो ये वैल्यू मैंने बदल दी थी यहाँ पर, समझ में आ गया होगा। ओके थैंक यू, अब अगला चैप्टर शुरू कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4। ओके।